꺼서 잘 가봐. ये जो पीसीबी का जो ग्रीन लाइट है ये पावर के लिए है। जब पीसीबी में 220 वोल्टेज रहेगा तो ये लाइट जलेगा। लाइट जल रहा है अभी, सनलाइट है इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन ग्रीन लाइट 24 है तो ये लाइट जल रही है पावर के लिए। यानी जब पीसीबी में पावर रहेगा तो ये लाइट जलेगा। येलो जो 3 है सिस्टम 1 के लिए है, 4 सिस्टम 2 के लिए है, डी आई सिस्टम 1 के लिए, डी 2 सिस्टम 2 के लिए। तो जब ये लाइट ब्लिंक करेगा, कलर कोई भी हो, येलो कलर हो ऑरेंज, इसमें येलो कलर है, किसी किसी में जैसे बगल वाला ऑरेंज कलर, लेकिन दोनों सेम ही काम है, कलर उसने चेंज कर दिया। तो जो ये लाइट सेम येलो लाइट हो या ऑरेंज लाइट हो, लाइट हो अगर वो, ये लाइट दोनों में से कोई भी लाइट अगर ब्लिंक कर रहा है, अगर डी 3 कर रहा है तो सिस्टम 1 का प्रॉब्लम है, सिस्टम 1 के में प्रॉब्लम है। तो मैं पहले भी बोला येलो लाइट अगर ब्लिंक करेगा तो सिस्टम 1 ट्रिप हुआ है, वजह चेक करना होगा किस वजह से चेक हुआ है, ट्रिप किया है। डी 4 अगर वो तो सिस्टम 2, मैंने पहले भी बोला अगर वो स्लोली ब्लिंक कर रहा है तो लो प्रेशर में है और फास्ट कर रहा है सेम लाइट हाई प्रेशर में। तो येलो लाइट ये पीसीबी का है, डी 3 अगर स्लोली है तो लो प्रेशर में सिस्टम 1, फास्ट है तो सिस्टम 1 का हाई प्रेशर। ये ऑरेंज कलर का जो इसमें है स्लोली ब्लिंक कर रहा है, सिस्टम 2 का प्रॉब्लम है, फास्ट कर रहा है हाई साइड से ट्रिप है। ये जो है ये जो है ना D3 और D4, ये दोनों अगर ट्रिप करता है तो 3 बार ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों अगर ब्लिंक कर रहा है तो ऑटोमेटिकली 3 बार ऑन होगा, 3 बार ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चौथी बार अगर ट्रिप किया ये लाइट जल जाएगा D1 या D2, फिर ऑन नहीं होगा, फिर आपको ब्रेकर से रीसेट करना होगा, पावर ऑफ करना होगा।